Hey guys, welcome to the channel once again. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कैसे अपने एलपीजी कनेक्शन की सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पे चेक करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउजर पे, और अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो आप एंड्रॉयड पे भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेप्स जो है कम्प्लीटली ईजी होंगे, इसमें कोई ज्यादा हार्ड स्टेप्स नहीं है जो आपको फॉलो करना है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों यह साइट IOCL की ऑफिशियल साइट है और इस साइट पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ अगर आप सबसे नीचे आप आएंगे इस पेज पे तो आपको जो है डेली या मंथली बेसिस के जितने भी सिलेंडर के प्राइसेस है विद सब्सिडी विदाउट सब्सिडी वो आपको देखने को मिल जाएगा एज़ पर वेट 14.2 kg का और 19 kg का। तो ये जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना अगर आप ये चेक करना चाहते हैं। अब मेन बात आता है अगर आपको रजिस्टर करके देखना है तो सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएं, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर ये जो फॉर्म है आपको इसे फिल आउट करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल का डिटेल फॉर्म है। यहाँ पे आपको एज पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर नंबर वो सब डाल के आपको वेरिफिकेशन कराना होगा और ईमेल आईडी पे जो है आपको आपका यूज़र नेम और ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसके बाद जो है ये लिंक है लॉगिन करने के लिए कस्टमर पोर्टल है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। यूज़र नेम डाल सकते हैं या फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड डालें, वेरिफिकेशन करें इसके कैप्चा को एंटर करने के बाद और जस्ट सिंपली लॉगिन करें। तो यहाँ पे जो है कैप्चा जो है रॉन्ग बता दिया है, शायद मैंने गलत टाइप कर दिया है, तो चलिए मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ओके तो मैंने क्लिक किया सबमिट पे और इस टाइम जो है ये लॉगिन हो चुका है। अब जो है यहाँ पे हमें हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कहाँ से लिंक है कहाँ से नहीं, मेरा कस्टमर आईडी, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड, हर एक चीज़ यहाँ कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी एलपीजी आईडी से लेकर नीचे आपके आधार लिंक्ड होने तक के डिटेल पे। तो यहाँ जो है आपको सब्सिडी का अगर चेक करना है कि आपकी सब्सिडी सबमिट होती है या नहीं, या डिटेल्स ट्रैक करने हैं आपके ऑर्डर वगैरह इन सब के, तो वो सब भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे ऑर्डर या ट्रैक या रिफिल पे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स यहीं पे। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको लेके सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पे और वहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारे में कब कब मैंने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है और साथ ही साथ उसकी सब्सिडी कितने रुपीस की बैंक में डिपॉजिट हुई है या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है मैसेज बैंक के तरफ से मिल जाता है जब भी आपके में कोई भी नई ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डाउट है या फिर मिसमैच है या कभी कम क्रेडिट हुई होगी तो आपको यहाँ से वो मैच करने में हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ है कंप्लीट डिटेल्स, ऑर्डर नंबर से लेकर रिमार्क्स, कब सब्सिडी, कितने तारीख को जमा हुई है, कितने डिलीवरी डेट की, हर एक चीज़। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके बैंक में कब सब्सिडी जमा हुई है नहीं। इसी के साथ मैं आपको HP और भारत गैस के भी नीचे लिंक डाल दूंगा, आपको उसमें भी रजिस्टर करके बस सिंपली लॉगिन करना है और फिर आप उसमें भी सेम टू सेम चीज़ देख पाएंगे। तो यहाँ जो है इसके साथ अगर आपको डाउट है कि आपका जो बैंक अकाउंट है प्रॉपरली सीड हुआ है या नहीं आपके एलपीजी सब्सिडी के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए जाना होगा आपके सबमिट बैंक डिटेल्स पे। अगर आप ऑलरेडी सीडेड कस्टमर हैं तो यहाँ पे वो डिटेल्स दिखा देगा कि आप पहले से सीडेड कस्टमर हैं या फिर आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ़ोन के स्टेप्स भी बिल्कुल सिंपल है, आपको बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो क्रेडेंशियल्स है जो आपने वेबसाइट पर क्रिएट किए हैं वही यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डालना है और सिंपली आपको लॉगिन करना है और बस आप जो है आपकी सारी डिटेल्स देख पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।